नमस्कार, प्राइम बी की न्यूज में आपका स्वागत है। खबर चितरंगी मध्य प्रदेश से है। संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि छात्रों को अनुशासन सिखाने एवं स्वस्थ रखने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के निर्देश दिया गया था, जिसके परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली के आदेश अनुसार चितरंगी विकासखंड के अंतर्गत संकुल खटाई केंद्र खटाई में हायर सेकेंडरी खटाई शिवपुरवा हाई स्कूल घोघरा मोहरिया एवं माध्यमिक शाला चिकनी मचिकला अगर हवा सही अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जहां 100 मीटर की दौड़ 200 मीटर की दौड़ जिलेटी दौड़ कबड्डी खो खो जैसे प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विकासखंड स्तर होने वाली प्रतियोगिता के लिए नामांकन किया गया। इस दौरान ये बता दें कि संकुल प्रभारी खटाई जयकांत कुमार आचार्य शिवपुरवा देवनाथ पैस पारसनाथ द्विवेदी अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा वहीं बी एल भारती द्विवेदी राम बहाल साकेत गोपाल साकेत सहित कई विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थी सम्मिलित रहे। प्राइम बी की न्यूज शोने के लिए इंद्रजीत सिंह चितरंगी मध्य प्रदेश। आज संकुल केंद्र खटाई के प्रांगण में खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थी उपस्थित हैं, विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, यहाँ के संकुल प्राचार्य जयकांत कुमार जी हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, आज ये जो गतिविधियाँ आयोजित की गई, खेल की गतिविधियाँ जो आयोजित की गई, ये किस किस तरह के खेल खिलाए जा रहे हैं तथा ये कहाँ कहाँ के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं? जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश क्रमांक 5770 क्रीड़ा 2023 सिंगरौली दिनांक 29/12/2023 के द्वारा आदेशित किया गया था कि 31 दिसंबर 2023 को विद्यालय स्तर से खेलों का आयोजन करना एवं 1 जनवरी 2024 को संकुल स्तर पर संकुल के अंतर्गत जितने विद्यालय आते हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाना है, जिसमें लगभग 80% विद्यालय भागीदारी निभा रहे हैं। इस खेल में एथलेटिक्स कबड्डी खो खो बैडमिंटन वॉलीबॉल प्राथमिक छात्रों के लिए बोरा दौड़ जिलेबी दौड़ और नींबू दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जो वर्तमान में संचालित है और बड़े ही सक्रिय एवं उत्साह के साथ यह खेल का उत्साह मना रहे हैं। सर, जो कबड्डी का आपने नाम लिया, कबड्डी के लिए कोई व्यवस्था है या कि फील्ड बनवाना पड़ेगा? कबड्डी के लिए व्यवस्था है जी, और उसको ग्राउंड बना दिया गया है कबड्डी के लिए। जी जी, किस किस विद्यालय के यहाँ प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं सर? यहाँ पर लगभग ये बताया जाए कि सभी विद्यालय तो शामिल हुए हैं, लगभग 80% जी, जो 49 विद्यालय हमारे संकुल में आते हैं तो लगभग 35 विद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी चयनित किए जाएंगे फिर उनके लिए अगली प्रक्रिया क्या होगी? अगली प्रक्रिया विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ग्राउंड में ब्लॉक स्तरीय आयोजन में शामिल किया जाएगा। क्या उसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है? कि उसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है 3/1/2024। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।